हेलो फ्रेंड्स, मैं लवीश कुमार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल एलके बिन आइडियाज। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार में पैसा निवेश करके कैसे आपको पैसा कमाना है। तो ये पूरी जानकारी मैं आप वीडियोस में देने वाला हूँ और कुछ इसी तरह की वीडियोस और अभी आते रहेंगे आपके लिए, जिससे आपको इससे पैसा कमाने में आसानी हो और कहाँ निवेश करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। तो यदि आप चाहते हैं ये डिटेल आपसे मिस नहीं हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो नीचे घंटी जैसा बटन दिया हुआ है बेल आइकन उसको जरूर दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, अधिकतर आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट का, आपने नाम सुना होगा स्टॉक मार्केट में निवेश करके लाखों रुपए कमाया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड, ये सच है, लेकिन इसके कुछ कंडीशंस होती हैं। यदि आप पहली बार स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको वहाँ नॉलेज कितनी है स्टॉक मार्केट की। जी हाँ, शेयर बाजार जिसको बोलते हैं। अधिकांश क्या होता है फ्रेंड्स, हम माने कुछ वीडियोस देखते हैं, कुछ टिप्स देखते हैं, कुछ लोगों को देखते हैं कि स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और उनको देखते हुए हम अपना भी खाता खुलवा लेते हैं और खाता खुलवाने के बाद उसमें ट्रेडिंग शुरू करते हैं। और ट्रेडिंग में आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में आपको एक आध दिन हो सकता है फ़ायदा हो जाए, और अधिकांश जो आप पैसा लेके गए वो पूरा का पूरा डूब जाता है। वो इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि हम पहली बार उस मार्केट में गए हुए होते हैं और आपने सबसे ज़्यादा हाई रिस्क वाला कदम वहाँ उठाया है। जी हाँ, इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है और सबसे ज़्यादा गेन होता है, लेकिन ये जो फ्रेंड्स आपके लिए नहीं होता है यदि आप पहली बार स्टॉक मार्केट में आए हैं या किसी को देख कर या टिप के भरोसे आए हैं या किसी कंपनी के उससे आए हैं कि हम आपको टिप देंगे और आप ट्रेडिंग करिए, आपको का नाम मुनाफा हम दिलवाएंगे। एक्चुअली में क्या होता है, कंपनीज़ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो अपना कुछ टिप्स भी जारी करते हैं और उसमें कई हद तक कुछ कुछ परसेंट तक आपको मुनाफा हो सकता है, लेकिन 100% मुनाफा हो ऐसा कंपनी भी नहीं बोलती है, कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं बोलता है। वो टिप्स आपको इसलिए देते हैं जिससे उनके यहाँ ट्रेडिंग होती रहे लगातार और उनका ब्रोकरेज बनता रहे, जिससे उनका कमीशन बनता रहेगा। अब आपको मुनाफा कैसे कमाना है इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप पहली बार आप माने स्टॉक मार्केट में आए हैं या अभी कुछ ही समय हुआ है आपको घाटा लग रहा है, तो आप सिंपल इसमें ट्रेडिंग बंद कर दें। अब आप सोच रहे हैं ट्रेडिंग बंद कर देंगे तो मुनाफा कैसे हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, ट्रेडिंग बंद करके आपको खरीदना है होल्डिंग बेस पे शेयर। ट्रेडिंग बंद करके आपको खरीदना है होल्डिंग बेस पे शेयर, मीन्स BTST पे भी खरीद सकते हैं और कुछ दिन के लिए आप होल्ड भी कर सकते हैं शेयर को। इससे फ़ायदा ये होता है कि फ्रेंड्स कि आपके पास टाइम होता है उस शेयर को सोचने, माने शेयर के बारे में सोचने का, और आपके पास टाइम भी होता है उस शेयर को बेचने के लिए। ट्रेडिंग में फ्रेंड्स क्या होता है, 9:15 बजे जब मार्केट खुलता है उस टाइम पे आपने कोई स्टॉक खरीदा है, जैसे 9:15 बजे, 10 बजे, 11 बजे, और इस शेयर को खरीदे हुए शेयर को आपको 3 बजे तक बेचना ही होता है। 3 बजे तक यदि वो 102 105 रुपये में जाता है तो आपको मुनाफा हो जाता है, और यदि वो शेयर चला जाता है 98 रुपये तो आपको लॉस में जाएगा। लेकिन जब भी आपको मुनाफा होता है वो आप उस टाइम पे बेच सकते हैं, माने आप 1:30 बजे बेच सकते हैं, 2 बजे बेच सकते हैं, लेकिन 3 बजे मैक्सिमम टाइम होता है, मार्केट बंद होता है 3:30 बजे। और फ्रेंड्स यदि इसमें आपको मुनाफा नहीं हुआ, मान लीजिए 3 बजे के पहले तक वो 100 रुपये से ऊपर गए नहीं है, 98 रुपये के नीचे रहा, तो आपका शेयर वो 3 बजे बिक जाएगा। और यदि 3 बजे के बाद, 3 से 3:30 बजे के बाद वो शेयर यदि मान लो 105 रुपये पहुँच जाता है तो यहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ट्रेडर्स को हमेशा नुकसान हो जाता है। इस यदि आप इसकी जगह यदि आपने BTST में शेयर लिया होता है तो आज खरीद लें, और यदि आपका शेयर 100 रुपये में खरीदा और यदि कल इस शेयर का भाव आपके पास पहुँच जाता है 105, तो आप उसको बेचेंगे, उसमें आपको डायरेक्टली मुनाफा होगा। ट्रेडिंग और आपके होल्डिंग बस अंतर इतना रहेगा कि ट्रेडिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको जो डीमैट कंपनियां होती हैं, जो डीमैट अकाउंट आपको खुलवा के देती हैं किसी भी ब्रोकरेज हाउस का, वो आपको लिमिट देती हैं, मींस आपके पास 5,000 रुपये है और उन्होंने 20 गुना लिमिट दी है आपको, तो 1 लाख तक की ट्रेडिंग आप कर सकते हो। लेकिन शर्त वही होती है कि 3 बजे वो शेयर सेल आउट हो जाएंगे और आपके जो भी मुनाफा है या नुकसान है, मुनाफा हुआ तो आपको मिल जाएगा 5,000 के ऊपर हो जाएगा। यदि नुकसान हुआ, मान लीजिए आपने 1 लाख के शेयर खरीदे और आपका दिन का नुकसान हुआ 500 से या 1,000 रुपये आपका नुकसान हुआ, तो आपके 5,000 रुपये में से 500 या 1,000 रुपये कट जाएंगे। तो इस तरह से कंपनी को ब्रोकरेज मिल जाता है और उनका जो भी का नाम नुकसान होता है वो आपके छोटे से अमाउंट में से वो रिकवर कर लेते हैं। तो यदि फ्रेंड्स यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो ट्रेडिंग में ना पड़े। ट्रेडिंग में बहुत अच्छा लगता है कि हम सुबह खरीद लेंगे, दोपहर तक बेच देंगे, पैसा मिल जाएगा, मिल भी जाता है कुछ कंडीशन में, लेकिन ऐसा होता है फ्रेंड्स कि छोटा छोटा अमाउंट आपको मिलता है और कभी कभार बड़ा अमाउंट सीधा चला जाता है, मीन्स हमें 10-10, 20-20 पैसे, 50-50 पैसे का मुनाफा पर शेयर हम कभी कभार ले पाते हैं। और जैसे मान लो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपने एक दिन 300, एक दिन 500, एक दिन 700 कमाए, और किसी दिन यदि स्टॉक कभी नीचे चला जाता है तो उसको हम सोचते हैं कि शाम को 3 बजे तक वापस आ जाएगा, और कभी कभार वो 2-3 रुपये नीचे चला गया तो उसमें सबसे बड़ा आपको लॉस लगता है, मीन्स आपने 3-4 दिनों जो कमाया वो आपके 5वें-6वें दिन निकल जाता है।
तो इसमें हमारे जो नए व्यूअर्स होते हैं, जो हमारे नए यूजर होते हैं, उनको हमेशा ही लॉस लगता है। और फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का खेल बहुत ही सेंसिटिव खेल होता है। मींस वहां आपको डिसाइड पहले ही से ही करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि और बढ़ने दें। माने आपने सोचा है 101 रुपये का हमने स्टॉक खरीदा है, तो आप पहले से डिसाइड कर लें कि हमें 101.30 रुपये में बेच देना है, फिर स्टॉक का कहीं भी जाए। और यदि ये स्टॉक आपका 100 रुपये है, 98 पैसे दिया, 100 रुपये 90 पैसे या 80 पैसे आता है, तो वहाँ हम सेल कर देंगे, माने इससे नीचे लॉस नहीं जाने देंगे। तो उस कंडीशन प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो हम नए खिलाड़ी माने नए होते हैं स्टॉक मार्केट में, तो हम सोचते हैं 100, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपने 101 का स्टॉक मैंने प्राइस ख़रीदा है और आपने वेट किया तो 101.80 रुपये हो गया, 102 रुपये हो गया, 102.50 रुपये हो गया, उस टाइम पे हम बेच लेते हैं, बहुत अच्छा मुनाफा होता है। लेकिन वो ही कभी कभी उल्टा हो जाता है कि वो 101 का ख़रीदा हुआ 98 रुपये पहुँच जाएगा, तो आपको सबसे ज़्यादा लॉस होगा वहाँ पर। तो यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप अपना सुबह जब भी आप स्टॉक ख़रीदते हैं उसको फिक्स कर दें कि हमें इतने से ऊपर हमें यदि स्टॉक आता है तो तुरंत सेल करना है, और इतने से नीचे आता है तो हमें तुरंत सेल करना है। तो उससे क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। स्टॉप लॉस मीन्स आपका लॉस होने से बच जाता है। और कभी कभार क्या होता है फ्रेंड्स, स्टॉक 100, जैसे मान लीजिए आपने 101 में ख़रीदा, 30-40 पैसे ऊपर चला और वापस वो नीचे आ जाए, तो उस कंडीशन में यदि आपने 30-40 पैसे का जो मुनाफे के लिए सेलेक्ट किया है, तो उसमें वो आपको कन्फर्म मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडिंग का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है, हमें बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं बैठना होता है, छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए हम ट्रेड किया जाता है। मींस कोई भी आपने स्टॉक खरीदा, 10 पैसे 20 पैसे 50 पैसे, मैक्स टू मैक्स 50 पैसे पे ही ट्रेड किया जाता है। उसमें आपको ये नहीं देखना होता कि 3-4 रुपये तक बढ़ जाए या 2-3 रुपये तक बढ़ जाए तब हम इसको बेचेंगे और अच्छा बड़ा अमाउंट इसमें गेन करेंगे। आप छोटा छोटा मुनाफा निकालते रहें और छोटा ही छोटा आप उसमें स्टॉप लॉस भी लगाएं, जिससे यदि स्टॉक नीचे जाता है तो आपको लॉस ना हो। तो फ्रेंड्स, यदि आप कोशिश करते हैं यदि आप मैंने इस तरह से करने की, तो आपको थोड़ा बहुत तो अर्न अच्छा होने लगेगा। और बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको टिप दूंगा कि कौन से, तो इस तरह से छोटे छोटे सौदे करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और बस ध्यान रखिए कि आपका स्टॉप लॉस सबसे पहले सुनिश्चित कर लें कि जो आपने स्टॉक ख़रीदा है उसको यदि नीचे जाता है तो हमें कितने बेचना होता है। और फ्रेंड्स, इसमें और भी होते हैं, जैसे आप इसमें F&O में भी सेगमेंट में आप ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन में भी कर सकते हैं, पुट में भी कर सकते हैं, और इसमें आपके जैसे आप इंट्राडे में भी आपका अलग अलग मार्जिन होता है, जैसे 25x मार्जिन पर काम कर रहे हैं, कितने मार्जिन पर आपने स्टॉक ख़रीदा है, मीन्स आपकी ब्रोकरेज हाउस आपको क्या मार्जिन दे रहा है, उस पर भी आप काम कर सकते हैं। तो इसमें आगे हम आने वाले इस वीडियोज़ में और भी बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें अर्निंग के लिए और भी बहुत कुछ होता है, जैसे फ्यूचर अर्न ऑप्शन होता है और आपके पुट ऑप्शन होता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इसमें, जिसमें आप स्टॉक को खरीद सकते हैं। फ्यूचर मीन्स आपका भविष्य के हिसाब से परचेज कर सकते हैं, लेकिन उसमें 1 महीने 2 महीने 3 महीने के हिसाब से परचेज किया जाता है। उस डेट पे या तो आपको उनको डिलीवर करवाना होता है या सेल करना होता है। तो इनका भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल दूंगा। लेकिन यदि आप न्यू हैं और आप स्टॉक मार्केट में निवेश करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा है आप अभी BTST से शुरू करें। मीन्स आज खरीद लिया कल बेच देंगे, या आज खरीद लिया 15 दिन बाद बेच देंगे, तो उसमें सबसे अच्छा आपको मुनाफा मिलने वाला है। और इसमें आपका स्टॉक भी सुरक्षित रहता है, आपकी रकम भी सुरक्षित रहती है। यदि मान लो आपका कोई स्टॉक नीचे चला जाता है आपके परचेस करने के बाद, तो आप वेट कर सकते हैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने, और वो जब तक स्टॉक वापस नहीं आ जाए अपना रेट पर, तो आप उसका मुनाफा निकाल सकते हैं। और इंट्राडे में ऐसा नहीं होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको 3 बजे तक ही सेल करना होता है, इसलिए उसमें प्रॉफिट भी अच्छा हो जाता है लेकिन लॉस भी उतना ही तगड़ा होता है। तो अभी यदि आप मैंने पहली बार हमारा वीडियोस देख रहे हैं और स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाह रहे हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहें और वीडियोस देखते रहें, और मैं आपको हर चीज़ का आपको टिप देने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ स्टॉक भी बताऊंगा कि आप कौन कौन से स्टॉक खरीद के आप अपना मुनाफा निकाल सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। काफ़ी कंपनियां फ्रेंड्स ऐसी हैं जो मल्टी बैगर होती हैं। मल्टी बैगर का मतलब होता है आपने एक बार स्टॉक खरीद लिया, 4 या 5 साल में वो 8 से 10 गुना चला जाता है। मींस ऐसा मान लीजिए मल्टी बैगर मीन्स आपने आज 100 रुपये का स्टॉक खरीदा है, और अगले यदि 4-5 साल तक यदि आप अपने पास रख लेते हैं, तो वो 100 रुपये का स्टॉक 3,000, 4,000, 5,000 तक भी पहुँच जाता है, और बहुत अच्छा आउटपुट मिलता है। मीन्स आप माने उसमें बोनस भी अच्छा मिलता है, स्प्लिट भी हो सकता है, स्प्लिट होने से उसमें बोनस आपको एक्स्ट्रा मिलेगा शेयर के, और साथ में आपको डिविडेंड भी इनमें अच्छा मिलता है। तो ऐसे शेयर के बारे में आपको बताऊंगा जो मल्टी बैगर शेयर हैं, जिनको आप अभी से परचेस करके रख लेंगे, तो अगले 3-4-5 साल में बहुत अच्छा आपको रिटर्न देके जाएंगे।
तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसकी भी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो यदि आप चाहते हैं ये डिटेल आपसे मिस नहीं हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो नीचे घंटी जैसा बटन दिया हुआ है बेल आइकॉन उसको जरूर दबा दें जिससे आने वाले वीडियो से नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।